मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ घर पे फेस क्लीनअप कैसे कर सकते हैं। फेशियल और क्लीनअप में यही फर्क है कि क्लीनअप में नरिशमेंट क्रीम्स नहीं यूज होती। आपके तीन स्टेप्स होते हैं, क्लींसिंग, स्क्रबिंग और फेस पैक। साथ ही साथ ये तमाम स्किन टाइप्स, नॉर्मल, ड्राई, कॉम्बिनेशन, ऑयली और एक्नी, तमाम स्किन टाइप्स के लिए सूटेबल है। तो चलिए अब चलते हैं स्टेप वन की तरफ, जो कि है क्लींसिंग। क्लींसिंग के लिए हमें चाहिए 1 टेबलस्पून हनी और 1 टेबलस्पून रॉ मिल्क। हनी हमारी स्किन के लिए कितना बेहतरीन है उससे हम सब वाकिफ हैं। रॉ मिल्क हमारे डेड पार्टिकल्स को रिमूव करता है। ये एक बेहतरीन मॉइस्चराइजर और क्लींजर है। अब एक बाउल में 1 टेबलस्पून हनी लेंगे और 1 टेबलस्पून रॉ मिल्क, उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब कॉटन की हेल्प से इस मिक्सर को अपने फेस पे अप्लाई कर लें। याद रखें, आपने इस मिक्सर को कॉटन से अप्लाई करना है। अगर टिश्यू से करेंगे तो वो सारा मिक्सचर अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा और आपके फेस पे सही से अप्लाई नहीं होगा। 10 मिनट के बाद अपने फेस पे अच्छे से मसाज करना है और वॉश कर लेना है। तो चलिए अब चलते हैं सेकेंड स्टेप की तरफ, जो कि है स्क्रबिंग। स्क्रबिंग के लिए हमें चाहिए 1/2 टोमेटो एंड शुगर। ये हमारे लिए स्क्रबिंग और फेस मास्क दोनों का काम करेगा। अब आपने 1/2 टोमेटो लेना है, उस पर थोड़ी सी शुगर ऐड करनी है और सर्कुलर मोशन में अपने फेस पे स्क्रब करना है। आपने इसे नोज और आपके जिन एरियाज पे ब्लैक हेड्स ज्यादा हैं उन एरियाज पे अच्छे से स्क्रब करना है। ये हमारे ब्लैक हेड्स को रिमूव करेगा और हमारे फेस पे ग्लोइंग और ब्राइटनिंग के लिए बेहतरीन है। 2-3 मिनट्स आपने इसे अपने फेस पे अच्छे से स्क्रब करना है। इट डिपेंड्स ऑन यू, आप थोड़ी सी शुगर और भी ऐड कर सकते हैं। 10 मिनट्स अप्लाई करने के बाद आपने इसे वॉश कर देना है। चलते हैं अपने थर्ड और इम्पोर्टेंट स्टेप की तरफ, जो कि है फेस पैक। फेस पैक के लिए आपको चाहिए इनो का एक पैकेट, कुकम्बर जूस और बेसन। आप चाहें तो इसमें विटामिन ई का कैप्सूल भी ऐड कर सकते हैं। एक बाउल में इनो लेना है, उसमें बेसन और 2-3 टेबलस्पून कुकम्बर जूस लेना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद आपने इसे 5 मिनट्स के लिए रख देना है। देखें इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की हो जाएगी। 5 मिनट्स रेस्ट के बाद आपने इसे ब्रश की हेल्प से अपने फेस पे अप्लाई करना है। ये आपके लिए नेचुरल ब्लीच का काम करेगा, साथ ही साथ ये उन लोगों के लिए बेहतरीन है जिनके फेस पे ब्लीच सूट नहीं करती। ये आपके फेस पे ग्लो लाएगा और आपके कलर को लाइटन करेगा। 15-20 मिनट्स के बाद अपना फेस वॉश कर लें और फेस मॉइस्चराइज कर लें। याद रखें, फेशियल या क्लीनअप से 24 आवर्स या 12 आवर्स पहले अपने फेस पे कोई फेस वॉश या सोप मत यूज करें। और अगर आप वीकली ये क्लीनअप करते रहें तो आपको पार्लर जाके फेशियल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।